भाई शायद से ऐसा कोई भी सिम यूजर नहीं होगा जो कि एयरटेल, जियो और वीआई के बढ़े हुए रिचार्ज प्लान का सपोर्ट करता हो। यहाँ पर सभी कंपनियों के सिम यूजर काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें जो रिचार्ज प्लान पहले 239 रुपये में मिलता था वो प्लान अब 299 रुपये में मिल रहा है। जो प्लान पहले 199 रुपये में मिलता था वो रिचार्ज प्लान अब 249 रुपये में मिल रहा है। कुल मिलाकर के बात करें तो 1 जुलाई से इन तीनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान में 20 से 25% का इंक्रीजमेंट किया है, जिसके वजह से हमारे भाई लोगों को रिचार्ज करने के लिए 50 रुपया, 100 रुपया, 30 रुपया इस तरीके से रिचार्ज के अनुसार ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। और अगर आप लोग ऐसे केस में UPI यानी कि गूगल पे और फोन पे के थ्रू अगर अपना मोबाइल रिचार्ज करने जा रहे हैं तो पहले हम लोगों को 1 से 1.5 रुपये, 2 रुपये तक जो है कि ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ता था रिचार्ज के अमाउंट के बाद, ठीक है। लेकिन अब वहीं पर अगर आप किसी का भी, चाहे किसी ग्राहक का, अगर आप लोग फोन पे यानी कि UPI के थ्रू अगर रिचार्ज करते हैं तो आप लोग को 3 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये तक ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कैसा रहेगा कि आप लोग एक ऐसे रिचार्ज पोर्टल से रिचार्ज करें, ठीक है, जिससे आप लोगों को चार्जेस देने की बजाय आप लोग को उल्टा कमीशन मिले। तो आप लोगों को एक ऐसे जेन्यून रिचार्ज पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि अगर आप लोग रिचार्ज करते हैं किसी भी कंपनी का तो आप लोगों को 5% तक का भी कमीशन यहाँ पर मिलेगा। तो यह रिचार्ज पोर्टल कौन सा है, इस रिचार्ज पोर्टल में आप लोगों को कैसे जो है कि रजिस्टर करना पड़ेगा, आप लोग के सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर के पेमेंट कैसे लोड करना पड़ेगा एक रिचार्ज भी करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि 299 रुपये का रिचार्ज करने पर हमें कितना कमीशन मिलता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन से लेकर के एक मोबाइल रिचार्ज करने तक का कम्प्लीट प्रोसेस बताता हूँ। इस रिचार्ज पोर्टल का नाम है रिचार्ज बादशाह और इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर में आकर के सर्च करेंगे रिचार्ज बादशाह तो यह एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कंसेंट पर क्लिक करने के लिए आएगा तो सिंपली कंसेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है कि आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ परमिशंस मांगा जाता है तो सारे परमिशंस को आप लोगों को अलाउ कर देना है और जैसे ही अलाउ करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। तो अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं बना है इस पर तो यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली साइन अप नाउ जो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोग को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, नेम देना है एंड यूजर नेम देना है। यूजर नेम यहाँ पर आप यूनिक सा कुछ भी यूजर नेम दे सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल फिलअप करने के बाद सिंपली रजिस्टर मी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर मी पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से रिचार्ज बादशाह इस तरीके से जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तुरंत ही कुछ इस तरीके से व्हाट्सएप में आप लोग को मैसेज आ जाता है जिसमें आप लोगों का यहाँ पर जो है कि यूजर आईडी बताया जाता है, पासवर्ड बताया जाता है, साथ में यहाँ पर पिन होता है और इस यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू और इस पिन के थ्रू सिंपली आप लोग को लॉगिन करना रहता है। तो चलिए मैं सिंपली इस एप्लीकेशन में लॉगिन करता हूँ। इसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से सर्विसेज हैं और कौन कौन से रिचार्ज करने पर आप लोग को कितना कमीशन मिलता है। लॉगिन करने के लिए सिंपली यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद सिंपली आप इस रिचार्ज पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आप लोगों को सर्विसेज मिलता है जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, DTH रिचार्ज हो गया, पोस्टपेड रिचार्ज हो गया, डेटा कार्ड हो गया, साथ में DTH कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज हो गया, साथ में यहाँ पर फास्टैग हो गया, लैंडलाइन हो गया, इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मेन टर्म्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं डेली रिपोर्ट में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली रिपोर्ट में आपने कितना रिचार्ज किया है, कितना कमीशन अर्न किया है। साथ ही यहाँ पर आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट शो होता है, रिटेलर लिस्ट शो होता है। सबसे इसमें खास बात है कमीशन, सिंपली कमीशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कमीशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का कमीशन का लिस्ट आ जाएगा जिसमें प्रीपेड रिचार्ज पर, DTH रिचार्ज पर, गूगल प्ले पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, फास्टैग पर, सभी पर इसका अपना अलग अलग कमीशन है, अलग अलग कमीशन यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर प्रीपेड पर अगर क्लिक करेंगे तो प्रीपेड पर क्लिक करने के बाद
आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप जो है कि जियो में रिचार्ज करते हैं तो यहां पर 4% का कमीशन मिलता है, अगर आप एयरटेल में रिचार्ज करते हैं तो 3% का कमीशन मिलता है, अगर आप बीएसएनएल में रिचार्ज करते हैं तो 5% का कमीशन मिलता है, अगर आप वीआई में रिचार्ज करते हैं तो 4% का कमीशन मिलता है, बीएसएनएल टॉपअप करते हैं तो 5% का मिलता है, प्लस एमटीएनएल का करते हैं तो भी 5% का कमीशन मिलता है। अगर डीटीएच की बात करें तो आप लोग को डीटीएच में आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप डिश टीवी का रिचार्ज करते हैं तो 4% का कमीशन मिलता है, टाटा स्काई का रिचार्ज करते हैं तो 4% का कमीशन मिलता है। इस तरीके से यहां पर कमीशन प्लान आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आप लोगों को यहां पर बेहतरीन कमीशन मिलता है, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर सबसे खास बात है प्रीपेड का, अगर जियो का किसी का 300 रुपये का रिचार्ज करते हैं 299 रुपये का तो आपको 12 रुपये तक का यहां पर कमीशन मिलेगा। तो चलिए यहां पर मैं पेमेंट ऐड करने के साथ एक मोबाइल रिचार्ज भी करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले पेमेंट कैसे ऐड करना है। पेमेंट इसमें ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड मनी है, इसके साथ साइड में यहाँ पर पासबुक है, पासबुक पर क्लिक करके आप यहाँ पर सारा डिटेल देख सकते हैं कि आपने कब कितना जो है कि ट्रांजेक्शन किया है, कितना पेमेंट ऐड किया है, कितना रिचार्ज किया है। सिंपली ऐड मनी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं 299 रुपया ऐड करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने 299 यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, गेटवे का, दूसरा जो कि फोन पे गेटवे का। मैं फोन पे के थ्रू यहाँ पर पेमेंट ऐड करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा ये रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के साथ ही यहाँ पर फोन पे आ जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पर पे पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो है कि मेरा बैंक अकाउंट आ जाएगा और बैंक अकाउंट के थ्रू सिंपली यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। और जैसे यहाँ पर पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पर पेमेंट 300 रुपये का यानी 299 रुपये का हो चुका है। ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा जो है कि रिचार्ज बादशाह एप्लीकेशन पर, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो बैलेंस है, पहले 00 जो बैलेंस शो कर रहा था अब 299 रुपया बैलेंस यहाँ पर शो करने लगा है। चलिए मोबाइल एक रिचार्ज करना है, सिंपली प्रीपेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जियो का एक नंबर है, सिंपली जियो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नंबर डालेंगे, इसके बाद अमाउंट पर क्लिक करेंगे या फिर ब्राउज ब्रांच पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिंपली मैंने नंबर डाल दिया है, इसके बाद ब्राउज प्लान पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर सेलेक्ट सर्कल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, सिंपली यहाँ से सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 299 रुपये का जो रिचार्ज प्लान है, 299 रुपये का यहाँ पर प्लान को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली रिचार्ज पर क्लिक करेंगे, जैसे रिचार्ज पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये रिचार्ज है सक्सेसफुल यहां पर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अमाउंट 299 रुपये सक्सेस, योर रिचार्ज हैज बीन सक्सेस, योर करेंट बैलेंस इज 11 रुपया जो है कि 96 पैसा है, ठीक है, यानी कि लगभग 12 रुपया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा यहां पर जो बैलेंस अभी 299 रुपया मैंने ऐड किया था ये अभी शो कर रहा है 11 रुपया 96 पैसा, यानी कि यहां पर मुझे लगभग 12 रुपया कमीशन यहां पर मिला हुआ है। तो देखिए आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एप्लीकेशन है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फिलहाल रिचार्ज करने के लिए। इस पोर्टल के थ्रू अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आप लोग को जियो में 4% का कैशबैक मिलता है। तो आई होप वीडियो के माध्यम से इस एप्लीकेशन के बारे में सारा का सारा डिटेल मिल गया होगा। प्लस बता दें कि अगर आप लोग को कोई दिक्कतें होती हैं तो आप लोग जो है कि आप लोग को यहां पर कस्टमर सपोर्ट का नंबर मिलता है, कस्टमर सपोर्ट में कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर क्लिक करके जो है कि आप लोग यहां पर कॉन्टेक्ट अस में आकर के यहां पर डायरेक्टली यहां पर कॉल कर सकते हैं। यहां पर टाइमिंग देख लीजिए 9 बजे से 9 बजे तक का है, प्लस ये यहां पर जो है कि ईमेल आईडी भी है जो कि सपोर्ट करता है, प्लस व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कि इसमें आप लोग जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते ही आप लोगों से 1 टाइम यहां पर 100 रुपीज के चार्जेस लिया जाता है और ये जो चार्जेस है हमेशा के लिए होता है, ठीक है। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिला होगा एक जेन्यून और बेहतरीन रिचार्ज पोर्टल के बारे में। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।